एक तो हक कौन सा है कि मुसलमान मुसलमान के सलाम का जवाब दे, एक हक तो हो गया। दूसरा ये है कि सलाम अगर कोई देता है, अगर कोई रास्ते पर बैठा है तो उस रास्ते का हक है, ये रास्ते का भी हक है। अल्लाह के रसूल सल्लम इसके ताल्लुक से फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 6229 कि एक साहबा रास्ते पर बैठे हुए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि नहीं साहबा, मेरे साहबा तुम रास्ते पर मत बैठो, रास्ते पर मत बैठो। तो साहबा ने कहा मजबूरी है, हमको बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है या तो इसलिए बैठना पड़ता है कि तिजारत के लिए सामान खरीद फरोख्त के लिए रास्ते में ही बैठना पड़ेगा, तो रास्ते में इसलिए बैठना पड़ता है, तो हमारी मजबूरी है, ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा तो हमको बैठना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर बैठते हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि अगर मजबूरी है तो फिर तुम रास्ते का हक अदा करो, यानी रास्ते का हक भी इसके अंदर हमको देना पड़ेगा। तो साहबा ने कहा रास्ते का हक ये कैसे अदा करें, कैसे दें रास्ते का हक? तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि तुम रास्ते पर बैठो तो नीची निगाह रखो, ये रास्ते का हक अदा करना है। सबसे पहले तो रास्ते में बैठे तो नीची निगाह रखो, और जो तकलीफ दे चीज़ें हैं उन पर वहाँ पर उसको हटा दो, यानी जो भी अगर पत्थर है, गिलाजत है, जो भी टेहनियाँ पड़ी है, कांटे पड़े हैं, तो उसको तुम साफ़ करो, ये रास्ते का हक है। और तकलीफ दे चीज़ों को हटाओ और सलाम का जवाब दो, यानी फिर रास्ते में बैठे हो तो लोग भी निकल रहे तो सलाम करो, जो सलाम करके जा रहा था उसको फिर जवाब दो। तो ये तीन हक है रास्ते के, ये रास्ते के हैं कि नीची निगाह रखना, और दूसरी में उसको साफ़ करना, तकलीफ दे चीज़ों को हटाना, और दूसरा वहाँ पर सलाम करना। लेकिन माशरा तो ये हो चुका है कि रास्ते में बैठते तो अभी भी हैं, लेकिन ये एक में से कोई इसका हक अदा ही नहीं करता, एक भी हक नहीं देता। रास्ते में बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि वो ताका झाकी करने के लिए बैठे, इसलिए बैठे ताकने के लिए बैठे, और वो चुनते ऐसा रास्ता है कि कहाँ जाकर बैठे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या उसको बोलते हों नज़र सेकना वो हो जाए, तो वो इसलिए ऐसा जगह ढूंढते हैं कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको उससे फ़ायदा हो, यानी कि आँखों की सेहत इसको कह सकते हैं, तो इसलिए बैठते हैं। और बल्कि पत्थर काटे तो लगाने की कोशिश करते हैं लोग, वो बैठते हैं तो उसको पत्थर काटे बिछाते हैं, कोई बैठे बैठे ही पत्थर फेंक रहा है, कोई उसको हटाई नहीं है, गंदगी कर रहा है। तो आज हम देखते हैं ये मामला उसका हो रहा है, और बल्कि वो रास्ते को तो क्या कर रहे हैं कि चक्के जाम कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, फला जो एहतजाज, रोड बंद, चक्का जाम, पत्थर जमा दिए, रोड बंद हो गया, हाईवे बंद, ये वाला बंद, तो ये तो चक्का जाम कर रहे, तो अब ये तो सब हदीस के खिलाफ है। तो ये इस्लाम का तरीका नहीं है, इस्लाम का तरीका नहीं है कि रोडों को जाम करना, चक्के जाम कर देना, रोड ब्लॉक कर देना, ये इस्लाम के तरीके के अंदर नहीं आता है। ये इसको जो है कई उलमा ने इसके ताल्लुक से मना भी किया है। तो इसलिए कि ये तो सलाम का माना है सलामती, यानी आप पर सलामती हो, आप पर रहमतें हो, आप पर बरकतें हो, ये इसका माना है, तो दुआ है।